पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से जितना जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। बिहार में हुआ कुछ ऐसा कि लोग याद करने लगे यूपी के बुलडोजर को। पटना हाईकोर्ट के जज ने बुलडोजर वाले एक्शन को रुलाया। पटना पुलिस के बुलडोजर पर उठने लगे सवाल, वीडियो हुआ वायरल। नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं। यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो तालियां बजती हैं। सीएम योगी की खूब वाहवाही होती है। यूपी पुलिस शान के साथ चलती है। बीजेपी नेता बुलडोजर एक्शन का गुणगान करते थकते नहीं। लेकिन यूपी बुलडोजर जब पड़ोसी राज्य बिहार में चला तो पटना हाईकोर्ट के जज ने पुलिस को ऐसी लताड़ लगाई कि उनका ये वीडियो वायरल हो गया। आप सुनिए जरा। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से जितना जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा। काउंटर कंसीडर कर लिया जाता चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करके ही आप लोगों को बुलाए हैं। जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं। पुलिस में आपसे ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, सीओ से हमारा सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना रोज इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल सब कोई आइए। चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। बिहार में सुशासन बाबू के राज में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। लगता है नीतीश राज में पुलिस ने यूपी पुलिस के आइडिया को अमल करने का प्रयास किया। शायद सोचा होगा खूब वाहवाही होगी, लेकिन ये क्या, हाईकोर्ट के जज ने उनके इरादे पर ही पानी फेर दिया। अब पटना पुलिस के माथे से पसीना आ रहा है। जज संदीप कुमार कह रहे हैं क्या यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो बुलडोजर लेकर इनका घर तोड़ दिया, तमाशा बना दिया है? किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे? भूमि विवादों को चिन्हित कर थाने को ही पावर दे दी गई। आपकी समस्या है तो चले जाइए थाने, पैसे दे दीजिए और घर तोड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। एक बार फिर से जज संदीप कुमार क्या कह रहे हैं आप सुनिए। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से जितना जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा। काउंटर कंसीडर कर लिया जाता चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करके ही आप लोगों को बुलाए हैं। जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत झूठ के धुले हुए हैं। पुलिस में आपसे ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना रोज इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल सब कोई आइए। चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। जज संदीप कुमार कह रहे हैं मैं यहां आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हूं, ना कि आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए। जनता दरबार, पुलिस और सीओ मिलकर घर तोड़वा रहे हैं। इन सबको 5-5 लाख देने होंगे, सबकी बारात निकलेगी। जज संदीप कुमार का ये ईमानदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और जिसको भी ये पसंद आ रहा है वो इसे वायरल कर रहा है।